हेलो माय डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ एसएसटी एंड टुडेज क्लास वी स्टडी अवर बुक ऑफ एसएसटी। सो स्टार्ट अवर क्लास। बच्चों, अब जो हमने क्लासेस करी थी, अब तक की जो हमारी क्लासेस हैं, क्लासों में हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फिर प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था रोड सेफ्टी, दैट इज़ अवर 9th चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था रोड सेफ्टी पे, हम यानी घरों में और सड़क पे बाहर चलते समय हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो था हमारा क्या था, सेफ्टी रूल, जिसमें हमने क्या सीखा था, वेयर टू वॉक, हमें कहाँ चलना चाहिए। हमें हमेशा जब हम पैदल चलते हैं तो हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, ये हमने वेयर टू वॉक में सीखा था। फिर था हमारा हाउ टू क्रॉस दी रोड, रोड क्रॉस कैसे करें। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जेब्रा क्रॉसिंग ट्रैफिक रूल्स का हमें पालना करना चाहिए। फिर तो राइडिंग ए साइकिल, जब आप बाईसाइकिल चलाते हो तो आपको किस तरफ चलना चाहिए, आपको हमेशा साइकिल के साथ में अगर आप चलते हो या साइकिल की राइडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही चले। फिर है ट्रेवलिंग बाई ए बस, ये हमने सीखा था। नेक्स्ट हमारा था ट्रैफिक लाइट, जिसमें हमने क्या सीखा था, रेड लाइट का मीन क्या होता है, स्टॉप मीन्स रुक जाओ, येल्लो का मतलब होता है रुको, और ग्रीन का मतलब होता है चलो। यानी कि येल्लो लाइट का मतलब बेसिकली ये बोल सकते हैं कि चलते रहिए रुकिए नहीं, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलिए, और रेड लाइट का मतलब होता है रुकिए। तो ये आपका था चैप्टर। आज करेंगे इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो है हमारा चूज एंड टिक द करेक्ट वर्ड, हमें सही वर्ड को चूज और टिक करना है। तो देखिए, जो हमारे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से जो सही होगा उसके ऊपर हम राइट का मार्क लगा देंगे। देखिए, ए ट्रैफिक लाइट हैज 2/3 लाइट, एक ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती है। तो बच्चों, ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती है, 3 लाइट होती है, कौन सी, ग्रीन येलो और रेड। फिर है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग फुटपाथ रोड, आपको अगर सड़क क्रॉस करनी है तो आप करोगे जेब्रा क्रॉसिंग पे या फुटपाथ रोड पे, तो हम करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये हो गया आपका जेब्रा क्रॉसिंग। फिर है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ सबवे, आपको हमेशा चलना चाहिए अगर आप पैदल चलते हो या तो सबवे पे या फुटपाथ पे, तो राइट आंसर आपका फुटपाथ। फिर है ग्रीन लाइट मीन्स स्टॉप एंड गो, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, रुको या चलिए, तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलिए। ये हो गए आपके चूज द करेक्ट, सॉरी चूज द राइट वर्ड। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन है, ऑप्शंस को हमें पहले अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था, देखने से समझ में आ गया कि हमारे चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करते हुए हमें हमारा सेक्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है व्हीकल्स मूव वेरी फास्ट ऑन, व्हीकल्स बड़ी तेज़ी से चलते कहाँ, बच्चों ऑन रोड पे, सड़क पे बड़ी ही तेज़ी से व्हीकल्स चलते हैं। फिर है एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो द डैश रूल्स, एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, कब, जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी यातायात के नियमों की अगर हम पालना करेंगे तो हम ट्रैफिक रूल्स से, सॉरी, हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। थर्ड है वी शुड फॉलो दी डे सिग्नल्स, हमें कौन से सिग्नल्स का फॉलो करना चाहिए, हमें सेफ्टी सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर है वी शुड नॉट ट्राई टू गेट इन टू ए डे व्हीकल, हमें कभी भी अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कौन से व्हीकल में, मूविंग व्हीकल, यानी कि सड़क पे कोई व्हीकल चल रहा है, चलते हुए में कभी हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर है यूज डेज क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, कब, जब हम सड़क क्रॉस करते हैं, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का हमेशा इस्तेमाल हमें करना चाहिए। फिर है ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखिए, रेड लाइट सेज टू गो, रेड लाइट कहती है कि चलो, तो ये क्या है आपका, ये फॉल्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे फॉल्स, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है ऑलवेज रन ऑन द रोड, हमेशा सड़क पे दौड़ना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है कीप टू आवर लेफ्ट वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल ऑन द रोड, बच्चों जब भी आप साइकिल से सवारी करते हो तो आपको हमेशा कहाँ चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो ये आपका ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रन ऑन रोड, सड़क के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स चलते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि आपने देखा होगा सारे व्हीकल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हुआ करते हैं। फिर है वेट फॉर द बस एनीवेयर,
बस का इंतज़ार आप कहीं भी कर सकते हो, तो ये फॉल्स है। बस का इंतज़ार हमेशा, बस का जो स्टॉपेज होता है जिसे बस डिपो कहा जाता है या बस स्टॉपेज बोल सकते हो आप, वहीं बस का वेट हमें करना चाहिए। तो आज हमने क्या किया बच्चों, आज हमने किया है चूज़ द करेक्ट, फिल द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग, ये आज आपका वर्क है। तो देखिए बच्चों, आज आपको वर्क में क्या करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीन आज आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने, राइट डाउन करने के साथ में आप इनको लर्न भी करोगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कहीं किसी क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और इससे पहले आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।